हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम एक चीज अच्छे से पढ़ लें और एग्जाम्स के टाइम हमें कुछ भी याद ना रहे या समझ ही ना आए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। मेरे को तो एग्जाम्स के टाइम अपना रोल नंबर, अपना नेम सभी कुछ भूल जाता है। एनी हाउ, रिचर्ड फाइमन जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है ने एक ऑसम सुपर इजी मेथड डेवलप किया है जिसको यूज करके आप कुछ भी याद कर सकते हैं, ऐसा याद किया आपको कभी भूलेगा भी नहीं। ये टेक्निक किसी भी न्यू टॉपिक को सीखने या किसी भी एग्जिस्टिंग टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूजफुल है। आइंस्टाइन ने कहा है, अगर आप किसी चीज को 6 ईयर्स ओल्ड बच्चे को नहीं समझा पाते तो इसका मतलब है वो चीज आप खुद ही नहीं समझे हो। ऑब्वियसली जब आप 6 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड को समझाएंगे तो आपकी लैंग्वेज बिल्कुल आसान होगी। अब हम आइंस्टाइन की इस कोट को रिवर्स करते हैं, अगर कुछ सीखना चाहते हो तो 6 ईयर्स ओल्ड बच्चे को वही चीज समझाओ, मतलब इजी लैंग्वेज में वो चीज को समझाओ। इसी से बनी है फाइमन टेक्निक। देखते हैं फाइमन टेक्निक के स्टेप्स। स्टेप 1, पिक द टॉपिक यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड रीड इट थरली। जो भी आप सीखना चाहते हैं उसको बुक या नोटबुक से अच्छे से पढ़ लें। स्टेप 2, राइट दैट टॉपिक इन सिंपल लैंग्वेज एज इफ यू आर टीचिंग इट टू अ चाइल्ड। अब पेपर पेन लें, इस पढ़े हुए टॉपिक को सिंपल वर्ड्स में लिख लें जैसे कि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो। आप एग्जाम्पल्स का यूज भी कर सकते हो। हमारे माइंड के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हमें समझ आ गया है, पर हमेशा ऐसा होता नहीं है। इसीलिए फाइमन ने कहा है कि सबसे आसान है खुद को मूर्ख बनाना। स्टेप 3, गो बैक टू द सोर्स इफ यू गेट स्टक एंड कंपेयर इट विद व्हाट यू रोट। अगर आप कहीं पर अटक गए हैं तो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक या नोटबुक को रेफर कीजिए। कोई भी चीज जिसको आप आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ये वो पार्ट है जो आप ठीक से नहीं समझे हैं। अब जो आपने लिखा है उसको देखें और सोचें, क्या ये कॉन्सेप्ट को हर कोई समझ सकता है, इवन एक 6 ईयर्स ओल्ड बच्चा भी। अगर अभी भी कोई ऐसी चीज है जिसको समझना मुश्किल है, आप उसको इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें और ये कोशिश तब तक करते रहें जब तक कि कॉन्सेप्ट इजी ना हो जाए। यहाँ पर की है सिंप्लिसिटी। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। स्टेप 1, मैंने अपने इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक ली और लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा। द लॉ ऑफ डिमांड इज माइक्रो इकोनॉमिक लॉ that states all other factor being equal, as the price of a good or services increases, consumer demand for the good or service will decrease and vice versa. Step 2, अब मैंने इसको simple words में लिखा। When price increases, demand decreases, and when price decreases, demand increases. जब किसी चीज जैसे कि मोबाइल फोन की प्राइस कम हो जाए तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं, और जब प्राइस ज्यादा हो जाए तो मोबाइल फोन महंगा होने की वजह से कम बिकता है। इसका मतलब है प्राइस ज्यादा हो तो डिमांड कम, और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। एग्जाम्पल भी सोचा, ओह तो ये कारण है कि सेल्स के टाइम शॉप में इतना रश क्यों हो जाता है, क्योंकि प्राइस कम है इस कारण डिमांड ज्यादा होती है। एग्जाम्पल, अगर एक पेन ₹100 का है लोग कम खरीदेंगे, और अगर ₹5 का है तो ज्यादा खरीदेंगे। बस यही है लॉ ऑफ डिमांड। अब मैंने जो लिखा है एक बार फिर पढ़ा, और अब मुझे लग रहा है हर कोई इसको समझ सकता है और ये बिल्कुल इजी वर्ड्स में है। स्टेप 3, अब मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट और अपनी लिखी डेफिनेशन को कंपेयर किया तो देखा एक इम्पोर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गया, वो थी ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल। अब मुझे लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल क्लियर है, और यही है फाइमन टेक्निक। फाइमन टेक्निक से मेरा, मैंने इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लिया है। आप कोई भी सब्जेक्ट इस मेथड को यूज करके सीख सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स, साइंस या हिस्ट्री हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिसको इसका फायदा हो सके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।